मिलती है। अगर यही तीन गुण में आ जाए तो कथा श्रवण का लाभ हो गया। और अगर इतना भी नहीं आए तो फिर क्या करेंगे? नवविधा भक्ति को आप सुनेंगे तो पाद्य सेवा, कलिकाल में संकीर्तन का ज्यादा महत्व दिया है कि जे जे फल मिले ही तो है तीर्थन में जाए से, जे जे फल मिले तो है तीर्थन में जाए से, ते ते फल मिले एक हरि गुण गाय से। दो बार द्वारिका धाम, तीन बार त्रिवेणी, चार बार फल जो मिले चार धाम जाए से। लेकिन यहां कुछ संतों ने इसका खंडन कर दिया है कि अगर हरि कीर्तन करते समय आपका मन, मस्तिष्क, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां एकाग्र नहीं है, विचारों की गति शून्य नहीं है, जिह्वा से हरि नाम उच्चारण नहीं है, नेत्रों से हरि दर्शन की अभिलाषा नहीं है, इन हाथों से मधुर करतल नहीं है, और यहां बैठ के ही अगर वही माया के नोट गिन रहे हो तो यह मनोरंजन के सिवाय कुछ नहीं। यहां बैठ करके अभी वही गिनोगे तो बात बिगड़ जाएगी। यहां जितनी देर बैठो उतनी देर उसी के हो जाओ। यहां पर श्रीमद् भागवत कथा के अंदर इतने समझ लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को तेज धार की तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, पवन उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती है। मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयात्म ब्रह्म परात्म ब्रह्म, वो जान लेना जरूरी है। हमें ये ज्ञान है फिर भी हम दूसरे के पीछे लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कल की बालालों में यही संकेत दिया था कि माँ की गोद में आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चा जब माँ की गोद में आए तो उसके नेत्रों में भय और लज्जा। भय है कि मेरी माँ कहीं मेरे कान पे मार ना दे, और वस्तु भी आवश्यक है, वो भी चाहिए। लेकिन माँ यशोदा दही बिलो रही है, माखन निकाल रही है, बात्सल्य को भूल रही है, कन्हैया को उठा के एक बाजू में रख दिया, पहले मक्खन निकाल लेने दे। कन्हैया जी ने कहा इस भौतिक वस्तु के कारण मेरी माँ मुझे दूर कर रही है। फिर बड़े भाव से कन्हैया को लिया, स्तनपान कराने लगी, इतने में चूल्हे से दूध फिर उबलने लगा, कन्हैया को साइड में रख दिया और दूध उठाने गई। कन्हैया ने कहा कि अभी से मैं छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि इस जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के मध्य में माया आ रही है, इसलिए जब तक माया दूर नहीं होगी जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो ही नहीं। तब उन्होंने मक्खन की मटकियां फोड़ करके कौओं को खिलाया, उखल में बंध गए और अपने भक्तों का उद्धार कर दिया। यही कारण था त्याग हुताप चाप यरु बेसा। भगवान राम भरत का जब मिलाप हुआ तो भगवान ने बलकन वस्त्र नीचे गिर गए थे, चाप यानी धनुष बाण नीचे रख दिया था, शरीर शीतल हो गया था। संतों ने तर्क किया कि अगर एक क्षत्रिय शस्त्र नीचे रख दे तो शरणागति होती है, तो क्या राम भरत से शरणागत हो गए? तो वहां ये बात कहा गया कि जहां प्रेम शास्त्र की भाषा हो वहां शस्त्र की जरूरत नहीं होती है। बलकन वस्त्र क्यों गिर गए? वहां कहा गया कि जब दो जीवात्माओं का मिलन हो तो वस्त्र माया का प्रतीक है, इसलिए भगवान ने माया को त्याग दिया। ब्रज में बाल लीलाएं हो रही है, नयनकासुर का उद्धार किया भगवान ने, पूतना का उद्धार किया। कल आपने सुना था पूतना, यहां थोड़ा समझदारी की बात थी। यशोदा अपने बच्चे के संरक्षण में थी, एक वात्सल्य मातृत्व के लिए उनका दायित्व था,
लेकिन पूतना अपने स्वामी के लिए कृत कर रही थी, वो भी उसका दायित्व था। पूर्व समय निर्धारित प्रकृति, पूर्व समय निर्धारित योग के अनुसार भागवत में एक प्रमाण मिला कि भगवान का जब वामन अवतार हुआ था तो ये पूतना महाराज बलि की पुत्री हुआ करती थी। उस समय उसने कहा था, काश ऐसा पुत्र हो तो मैं भी स्तनपान करूं। भगवान ने पूतना का स्तन जब पान किया तो नेत्र बंद कर लिए थे, उसके 27 प्रमाण हैं। तो कुल मिलाकर के एक चीज समझ लेना है कि शून्य से शून्य में परमात्मा है और हमारे आसपास वही है। चंद पल मधुर संकीर्तन अपनी ओर चलते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव
बात नहीं। सम्मान तो थोड़ा रहेगा, कोई नहीं, पुनः मिलेंगे, दर्शन होगा। गरिगह पुरोहित राजन यदुना सुमहातप ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनचार्दोक्ष जधिया प्रणीपापतुरः सरम् सूपविष्टं कृतातिथ्यं सूपवृत्यं कृतातिथ्यं गिरासूतनया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीत ब्रह्मान् पूर्णस्य करवावकिम् महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवान् कल्पते नानयथा क्वचित् अस्तयन्तं कियत् पिबसिं भूयलं भरकेति वार्तिष्यमाणवचना जननीमिवाभ्यः विश्वं विभागि पयसोऽस्य न केवलोऽयम् अस्मद्वसि हरिणा किं विश्वमास्य। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। संस्कारों की बात करें 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, एक जन्म से पहले और एक शरीर छोड़ने के बाद बाकी 13 की गणना होती है। क्यों तुम्हारी बाबा गर्भ में आए तो गर्भाधान संस्कार, और जब ये दुनिया छोड़कर चले गए तो अंत्येष्टि संस्कार। नंद के घर आनंद है तो नामकरण संस्कार के लिए किसको बुलाया? ससुराल वालों को नहीं बुलाया? ये हमारा महाराष्ट्र में छे बालको आवे ना तो सासरवाड़ी में फोन करे आलो को, हमारा ढोलक वाला है ना, ये फोन करे टीकरो तहलो छे अनु नाम सु राखो तेते सालक अने तीन चार जो दूसरे हस्ते थे वो फोन करे टीनू मीनू। अब तो भैया नामकरण की व्यवस्था इतनी दुर्लभ हो गई है, समझ में भी नहीं आता कि लड़के का नाम है या लड़की का। हाँ, एक हमारे परिवार के हैं, वो मुंबई में मिले, हमारे निज परिवार से ही रक्त वर्ण के थे। मुंबई में रहे तो कल्चर बदल जाता है ना लोगों का। वो गए बांद्रा में, उस टाइम हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी चेतावनी भजनों की टी सीरीज के लिए, और बड़ा फेमस रहा है वो गीत मेरा, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाओ डर लागे मोरे राम भला कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ये मेरा रिकॉर्डिंग था के साउंड में। शाम को हमारे साथ ही निकल गए तो मैं जलोटा दादा हम रविंद्र जैन को दादा बोलते थे, गए तो परिचय करा दिया। भाई साहब ने टी शर्ट खरीदना चालू किया, मैंने भैया ये क्या कर रहे हो, बोले 2-in-1 है ना, बोले 2-in-1 मतलब नहीं समझे, बोले कभी मैं पहन लूंगा
अभी आपकी भाभी माँ इसलिए ऐसा टी शर्ट खरीद रहा हूँ, जमाना बदल गया। पुत्र का नाम हमारे पूर्वज भगवान के नाम से क्यों रखते थे, भी रहस्य है। पूर्व समय में देखेंगे राधे श्याम, सीताराम, गोपाल, रामदास, रघुमणि, ऐसे नाम होते थे। उसका कारण होता था कि जीवात्मा जब अंत समय में जाने वाली होती है तो सबसे ज्यादा इसकी आसक्ति पुत्र के मोह में होती है, और उस अंत की गति में पुत्र के नाम को संबोधित करते हुए भी अगर उसने मेरा राम मेरा राम मेरा राम मेरा राम कहा तो उसे मुक्ति मिल जाती थी। अब टीनू मीनू से मुक्ति होगी? हमारे बच्चे का नाम भी हमें बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, इसीलिए नामकरण संस्कार है। राम जी के भाई का जब जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ तो वहां पर हुआ है ना कि जाकर नाम रिपुरन जीत सुयस सुरगावत, सीता को लेकर भगवान राम आए, रिपुरन जीत शत्रु को मार के सुयस प्रभु गावत, हनुमान जी पहले पहुंच गए है ना, क्योंकि भरत मरने वाले थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि आज अगर प्रभु नहीं आए तो मैं आत्मदाह करूंगा। उन्होंने बिफोर यानी पहले आकर कह दिया कि रिपुरन जीत सुयस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, और नामकरण कहा आ गया तो नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, इनका नाम शत्रुहन है, ये वेद का प्रकाश करेंगे, इनके स्मरण मात्र से जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम का बड़ा असर है, जथे नामे तथे गुड़ह। आजकल नाम भी हम कैसे कैसे रख रहे हैं बताओ, मृत्यु के अंत में इसके ऊपर एक दृष्टांत है। एक बार देव ऋषि नारद चले गए और भगवान श्री हरि से पूछा कि ये बताओ प्रभु आपका परम भक्त कौन है। लोगों को अहंकार हो जाते हैं ना कि मैं भगवान के ज्यादा नजदीक हूं तो मैं ही हरि भक्त हूं। कोई बात नहीं, वो चलता है, को न जन्म उस जगवाही जे पद पाए होए मद नाही। देवऋषि नारद को लगने लगा कि मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे से ज्यादा कोई हरिभक्त। कहा अच्छा हरिभक्त कौन है? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जो नास्तिक था, धर्म से वैर, किसी के सुखी होने से दुख। उसके घर देवऋषि नारद गए, भैया इसका बेस और बैलेंस करो ना, वो बात नहीं है पहले वाली, मॉनिटर भी सेट करो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा नारायण नारायण नारायण, वो आदमी ने कहा कि तू निकल यहां से, पहले से दिमाग सही नहीं है, खाने पीने जैसा है, नारायण नारायण करता आ गया। भगवान के पास पधारे, कहे महाराज उसने तो मेरा अपमान किया, बोले फिर भी मेरा भक्त वही है। बोले वो तो नास्तिक है, आस्तिक है ही नहीं। बोले अगर वो नास्तिक को आस्तिक अपना आता और अगर एक क्रूर व्यक्ति भक्त बन ही जाता तो संतों की जरूरत क्या थी। फिर संतों का काम क्या था? बोले फिर बोले नीचे से हाथ ऊपर से चोट, तब जाके निकलेगी उसकी खोट। अगर एक व्यक्ति सात्विक होता, सतोगुणी होता,
तो संतों की आवश्यकता कहां थी? देव ऋषि नारद, तुम्हारा धर्म क्या है? देव ऋषि नारद ने कहा, ठीक है महाराज। तो बोले, ऐसा है, माला और भाला साथ में, शस्त्र और शास्त्र साथ में, मिट्टी का कुमार होता ना, कुमार शेखावत साहब, कुमार मटका बनाता है ना, तो ऊपर से खूब चिकना करता है, अंदर हाथ लगाता और चोट मारता रहता है ना, क्योंकि जब तक चोट नहीं लगेगी भाई, ये खोट निकलेगी नहीं। ये उपमा दे दिया, बोले जैसे कुम्हार नीचे से हाथ लगाता ऊपर से चोट मारता है, ऐसे संत हृदय से प्रेम करे लेकिन ऊपर से चाटा मारना बंद कर देगा तो शिष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए इनकी चोट मार के ही खोट निकाली जाती है। देव ऋषि नारद पहुंचे, फिर वही प्रक्रिया से खावत साहब, देखना कैसा मोल्ड करते हैं बाबा लोग। ओम नमो नारायण। बोले महाराज फिर आ गए, पहले वाली बात भूल गए। बोले भाई तू तेरा काम नहीं छोड़ता, मैं मेरा क्यों छोड़ू। तीसरी बार फिर ओम नमो नारायण। अब देव ऋषि नारद ने मुंह देखी बात करनी चालू कर दी, क्योंकि आजकल लोगों को झूठी तारीफ ज्यादा पसंद है ना। देव ऋषि नारद ने कहा, भाई तू सही कहे था, मैंने भी नारायण का रास्ता छोड़ दिया, अब मेरा तेरा एक मामला। लेकिन इत्तेफाक से उसके घर में संतान नहीं थी। कहे भाई मैंने परमात्मा के सानिध्य में एक साधना की है जिसके इतनी सकता है कि संतानहीन को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले ठीक है, और उसको इतनी कायदे से समझाया कि देव ऋषि नारद से बात करते ही करते करते उसे लगा जैसे मैं बच्चे के वात्सल्य का आनंद ले रहा हूं, इतनी ड्रीम। बोले भाई बेटा होगा ठीक है, ये प्रसाद लो, बच्चा होगा भी, लेकिन शर्त है। बोले क्या? बोले बच्चा आपका होगा लेकिन नाम मैं रखूंगा। बेटा आपका होगा, नाम मैं रखूंगा, अगर यह सौदा मंजूर है तो ठीक है। तो पुत्र के आसक्ति में उसने हां कर दिया। क्या महाराज ठीक है? हा? कहे ठीक है, आप नाम रख देना। नाम क्या रखोगे? देव ऋषि नारद ने कहा नारायण। फिर रट बजने की बात आ गई। बोले पार्टी छोड़ दी, फिर भी पार्टी ले रहे हो। बोले चलो नारायण नहीं रखेंगे, राधे श्याम रख देंगे। बोले तो मेरा शत्रु है, चलो सीताराम रख देंगे। बोले मेरे शादी में नहीं आया था। बोलो चलो विष्णु रख देंगे। बोले विष्णु इसलिए नहीं रखना, किसने जो शुभ काम किया मुझे माला नहीं पहना, इसलिए इसका नाम मत रखना। अनेक अवरोध। अंत में देव ऋषि नारद ने कहा कि अब हम बच्चे का नाम रखेंगे गोविंद। और वो राजी हो गया, ठीक है गोविंद रख लेना, लेकिन संतान दे दो। अब राम ने उसका क्या बिगाड़ा? राधे श्याम ने कुछ बिगाड़ा उसका? नारायण ने भी नहीं बिगाड़ा, पर उसकी नजर में ये लग गया। तो मैं कहता हूं राम को मत मानो, लेकिन राम के काम को तो मान लो। अब संतों को ऐसा करना पड़ता है भाई, फिर आखिरी में वो दिखाना पड़ेगा। है? कि तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सर्वस्व है, मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं,
मैं ही सीता हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, इतना ही नहीं है मूर्ख मानो, तेरे अंदर भी मेरा ही वास है, फिर भी क्यों उदास है। भगवान ने इसीलिए अनेक अवतार लिए, एक में स्वीकार नहीं कर पाते ना। क्योंकि अंत समय नामकरण, आज से निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, संकल्प ले लो कि आप अपने बच्चों के नाम उसी नाम से रखोगे। क्योंकि उसका दूसरा भ्रम होगा शेखावत जी कि बच्चे का नाम अगर राधे श्याम है तो मांस मदिरा से दूर रहेगा, एक भय रहेगा, अरे यार मेरा नाम राधे श्याम है, मैं गंदा काम नहीं कर सकता। लेकिन सलमान खान तो रोज करेगा, उसके पिक्चर की फोटो मत लगाया करो घरों में। बच्चों का नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखते, लड़कियों का नाम भी लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, सरस्वती, कितने सुंदर सुंदर नाम है हमारे यहाँ। अभी तो अनन्या आती है, हाँ शब्दों का अर्थ ही नहीं, पता नहीं कितने नाम आते हैं। हम लोग व्याकरण पढ़कर आए इसलिए उतना ज्यादा अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, हाँ? अगर किसी का नाम भाग्यश्री है तो वास्तव में जहां जाएगी वहां भाग्योदय हो जाएगा, कि उसकी नाम के अंत में श्री है और इसी बहाने उसके परिवार वाले लक्ष्मी को स्मरण करेंगे। तो जथे नामे तथे गुणः। आज यहां पर यदुवंशियों के कुलपुरोहित गर्गाचार्य जी ने, जो बड़े ही तपस्वी हैं भगवान कृष्ण के, यहां आगमन हुआ है, अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। अब किसी के घर संत आए तो मिले कैसा, संतों से कैसे मिला, हाय कैसे मिलते हैं। भाई दा कभी रास्ते से जावे ना अपन, रास्ता में मरी जाए कहता मोटा भाई, गुरुजी मतलब क्या कह रहा, अभी मिले ना, दोबारा मत मिलना, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ये पड़ोसियों को देखने वाली आदत भी बड़ी बुरी होती है। अब आप लोग संपर्क में आ जाए, हम ध्यान योग कराते हैं तो बैठ गए भाई साहब, आंख बंद करो, अजान मुद्रा में बैठ जाओ, बंद नेत्रों से त्रिकुटा को देखो, जिह्वा मध्य में हो, अमृत रस टपकेगा, एकाग्रचित होकर बैठा दिया। अब उसका ध्यान तो यहाँ लग रहा है पर अभिमान खत्म नहीं हुआ है, यू नो ध्यान कैसे लगेगा जब तक अभिमान खत्म नहीं हुआ। अब ऐसे बैठ गया 5 मिनट 7 मिनट, ध्यान जब नहीं लगा तो यूं देखता है पड़ोसी किधर है, यार पड़ोसी का लग रहा है मेरा क्यों नहीं लग रहा है, अपनी भी खो देगा। दशा दूध है ना, दूध अपन आग पे रखते हैं ना, जब तक दूध में पानी है ना तब तक उबलता नहीं, और जब जलने लगता है तो बाहर निकल के ढूंढता है मेरा मित्र कहाँ है, मेरा मित्र कहाँ है। इसलिए अंतःकरण को झांकना चाहिए, बच्चों का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। कन्हैया जी बड़े हुए हैं, धेनिकासुर का उद्धार किया, पूतना का उद्धार किया, बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं भगवान। तो कन्हैया जी का पहला नाम क्या है, बक्षपाल। क्या है, बक्षपाल। कन्हैया जी जो बातें चल रही हैं ध्यान से सुनना, बच्चों के लिए बक्षपाल। कन्हैया जी पहले बछड़ों के पीछे जाते थे, आवाज माँ आदिशक्ति यशोदा यमुना में जा रही है पूजा करने, कन्हैया ने पकड़ लिया, माँ मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा तू कैसे जाएगा, तू छोटा है, चंचल है, नटखट है रे कान्हा, तू वहां जाके क्या करेगा मेरे लल्ला। बच्चे समझाना बहुत कायदे से जानते हैं, कई बार हम बच्चों को दादा बोलते हैं,
माँ को मनाना तो कोई इनसे सीखे, और यही बात साल भाव लेकर हम अगर भगवान को मनाए तो वास्तव में जीवन सुधर जाए। यशोदा ने कहा नहीं ले जाऊंगी। बोले कारण? बोले कारण ये है कि तू चंचल है, चपल है, कहीं पानी में जाएगा। अब कन्हैया जी कैसे समझा रहे? अली माँ, तोतला बोलते ना बच्चे, कह रहे अरी माँ एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा ना। अली माँ एक दिन मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। बोले हाँ। फिर मेरा ब्याह होगा? बोले हाँ। फिर तेरी बहू भी आएगी ना माँ? बोले हाँ। अरे माँ अगर मैं ये नहीं देखूंगा कि जमुना की पूजा कैसी होती है, आरती वंदना कैसी होती है, दीप दान कैसे किया जाता, तो मैं तेरी होने वाले बहू और बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। मतलब हर माँ को अपने बच्चों को भी ये संस्कार सिखाना चाहिए और ऐसी जगह पे लाना चाहिए। कन्हैया जी ने कहा माँ मैं बड़ा हो जाऊंगा, ब्याह भी होगा, सारा कुछ होगा, फिर अगर मैं ही नहीं जानूंगा कि दीप दान कैसे किया जाता तो मैं मेरे बच्चों को कैसे सिखाऊंगा, इसलिए मुझे ले चल। अरे सोदा भाव में आई, भाव में आकर के सीने से लगाया, चल पड़ी। यशोदा जी जमुना के तट पे बैठकर पूजा करने लगी, दीप दान करने लगी, और हमारे नंदलाल इतने पानी में उतर गए महाराज। जमुना में उतर गए हैं, माँ की पूजा समाप्त हुई। ओ लल्ला कहाँ है? बोले माँ मैं तो यहाँ हूं। बोले मानेगा नहीं तू? आखिर गया ना नदी में, जमुना में, क्या कर रहा है मेरे लाल? बोले माँ ये जो बहते हुए दीपक आ रहे हैं ना, मैं इन्हें पत्थर पत्थर से तिनारे लगा रहा हूं। ये सारे बच्चे हैं ना, तो मैं पतल पतल से तिनाले लदा लाऊं। माँ बोलती है तो तित्ते तो तिनाले लगा देगा, बता। बोले अरे माँ औरों का तो ठीका नहीं रखा, आज जैसे कालिंदी में बहता हुआ दीपक मेरे पास आया, मैंने किनारे लगा दिया, ऐसे कलयुग में जो कथा ज्ञान गंगा में आकर के ज्योता लगा जाएगा उसे भवपार कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। माँ ने सीने से लगाया है, बलैया उतारी है, अब रास्ते में माँ आ रही है। तिवारी भैया यशोदा जी ने कहा तू शादी की बात कर रहा था, बता है अभी उम्र तेरी छोटी है, शादी की बात कर। हाँ मैया वो तो कर लूंगा, रास्ते में ही रूठ गए कन्हैया। तो क्या कहते हैं राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। Oh,
माखन की चोरी की है और कन्हैया जी ने यहां जीवात्मा की अगर बात करें तो और आध्यात्मिक चर्चा करें तो कन्हैया जी ने माखन नहीं खाया है, जीवात्मा के पाप को पी करके उसे मोक्ष धाम की बात कही। यहां ये कहा गया कि इस जीवात्मा के सिर पे जो पाप की मटकी है उसमें भरे हुए विषय और विकारों को मेरे संवरिया मेरे श्री हरि ले लेते थे और बदले में उसे मोक्ष की गति दे दिया करते थे। कोई ब्रज की जो बालाएं हैं ना, इनके बारे में बता दें। जब भगवान राम का जन्म हुआ था, रामा अवतार में आनंद ले रहे थे, तब भगवान जब जनकपुर में गए थे ना, तो जे जैसे तैसे ही उठे था वही बाल वृद्ध को संग ना लावहि। राम जी को देखने के बाद हर व्यक्ति पागल हो गया था, दीवाना हो गया था, आशिक हो गया था। हर आदमी चाहता था मैं मेरे राम को एक झलक देख लूं, मैं मेरे संवरिया को पालूं, मेरे ठाकुर को पालूं।
उस समय भगवान ने हंसते हंसते कह दिया था, करे बालाओं इस बार तो मैं किसी का नाम लिखवा के आया हूं, अब की बार जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तुम सारी जाके पहले से ही ब्रज में बालाएं बन जाना, हम वहां आपकी इच्छा को पूरा करेंगे और वेद की ऋचाओं को भी ब्रज की बालाओं का स्वरूप दिया गया है। जैसे शत्रुघ्न को वेद स्वरूप कहा गया, जब भगवान का अवतार हुआ वेद ने कहा हम भी अवतार लेंगे, बोले आप कैसे लोगे, बोले मैं संतों की वाणी से लूंगा क्योंकि संतों के मुख से निकला हुआ शब्द वेद ही है, प्रमाणित हुआ। माखन चोरी किया है, अब जब कोई बच्चा चंचलता करता है तो प्री प्लान करता है ना। राजेश जी हमारे कन्हैया जी भी ऐसे थे, माखन की चोरी करने से पहले माँ को समझा रहे हैं, माता का ये नवनीत मिदम तो धियम, माँ मैं तुझे एक बात बताऊं, लोभेन चोरी तो मध्यम ग्रह प्रविष्टा, माँ तुझे एक बात बताऊं, कुछ नए ग्वाल बाल कुछ नए चोर, चोर ही तो मध्यम ग्रह प्रविष्ट, माखन चुराने के लिए घर में घुस आते हैं और कहते मध्यारणम ना मनुते मई रोस भाजी रोसम, रोस सभाजी रोसम, माँ जब मैं उन्हें मना करता हूं मेरे पे गुस्सा करते हैं, फिर मैं कह देता हूं खा ले भैया खा ले कोई बात नहीं गौ मैया अपनी है। लेकिन माँ तने तिनाहे मि नवनीत लोभा, माखन का पर्यावाची शब्द है नवनीत, माँ मैं ये बात आपको बता रहा हूं इसका मतलब ये मत समझना कि मैं माखन खाने वाला हूं, मुझे माखन से तो इतना सा भी लोभ नहीं। पूरी लीलाएं वही कन्हैया जी वात्सल्य का संपूर्ण आनंद लेते हैं, बहुत चंचलता रहे, अरे माँ तूने मेरे हाथों में जो पद्म राग दिया है इससे मेरे हाथ जल रहे हैं, और कन्हैया जी ने चोरी घर में की और लोगों को आनंद आया क्योंकि पड़ोसी तो पहले से ही परेशान थे ना, लोगों के घरों से माखन चुराते थे, कन्हैया आज घर में माखन खाया है। यहां भाव देखिएगा इस गीत के, इस भाव को कल्पना को, माँ को पता है कि मेरी माखन की चोरी कन्हैया ने की है और कन्हैया को भी पता है कि आज मेरी चोरी पकड़ी गई है, और वात्सल्य भाव में कन्हैया लॉजिक दे रहे हैं, अपना तर्क रख रहे हैं, और अंत की पंक्ति ध्यान से सुनिएगा आनंद आएगा। मुख में मक्खन लगा हुआ है, मैया मोरी ओ मैया मोरी, नहीं नहीं कहा कन्हैया ने, हाँ मैंने पद को पढ़ लेना, कन्हैया जी तो झूठ बोले ही नहीं है, वात्सल्य भाव में माँ उसको कुछ अर्थ का अनर्थ समझ रही थी, फिर भी कन्हैया तर्क दे रहे हैं, और आखिरी पंक्ति को ध्यान से सुनो, हे मैया मोरी मैंने ही I'm
लगा हुआ माखन तो प्रतीक है ना, अपने माखन खाया है। कन्हैया जी साफ कर देंगे। हाँ लगा तो है पर ये मैंने नहीं लगाया। Bala bala chup.
ही लॉजिक फेल हो गया। अब कन्हैया जी ने कहा, माँ बच्चा पहले मांगे रूठे फिर लड़ावे ना। अब कन्हैया जी कहते हैं, अरे माँ तू बड़ी भोली है, तू ये पड़ोसन की सखियों की बातों में आ गई है। तू जननी तू
कल्पना करिए वात्सल्य भाव का आनंद लेने वाली यशोदा कितनी भाग्यवान होगी, कितना सौभाग्य होगा कि जिसके वात्सल्य को पाने के लिए भगवान ने जन्मदाती माँ का भी आंचल छुड़ा लिया। कन्हैया जी वात्सल्य का आनंद ले रहे हैं, नंद बाबा कंस को कर देने गए हैं और इधर कंस तरह तरह के प्रयास, कभी अघासुर को भेजा भगवान ने उद्धार किया, तो बकासुर को भेजा तो उसका उद्धार किया, अनेक प्रकार की आसुरी शक्तियों को भेजता जा रहा है। कन्हैया जी ने अपने आप को निर्धारित किया है कि मुझे करना क्या है, अपनी मस्ती में रहना। आज ब्रज में एक दूसरा अनर्थ हो गया। तिवारी जी, ग्वाल बालों के साथ कन्हैया जी के दरवाजे पे बाबा नंद स्थापित हैं, बैठे हैं, चर्चा शत्रुवाद संवाद चल रहा है, खेम कुशलताएं हो रही हैं। अचानक एक ग्वाल आता है और कहता है, बाबा आज फिर गजब हो गया। बोले, क्या? बोले, आज फिर एक गैया मर गई। आज भी एक गैया मर गई। कैसे? बोले, काली दह में। काली दह में आज फिर एक गैया मर गई। बोले, कैसे? कन्हैया जी चुपचाप सुन रहे हैं कि काली दह में गैया मर गई है। काली देह में गैया किस कारण से मर गई है? उसके बारे में शोक चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान देना गौर से, जो कहना चाह रहा हूं बड़ा संकेत और शुद्ध और शरीर को और मन को तृप्त करने वाला शब्द है कि भाई मेरे, जिनको सेवा करनी है ना, वो किसी से अवसर की तलाश नहीं करते, और जिन्हें करना ही नहीं होता ना, वो सारे मूर्ख खाली बकवास करते हैं, है ना? जिन्हें सेवा करनी है ना, वो किसी के कहने पर सेवा करे ऐसा नहीं है, और जिसे करनी ही नहीं है वो मूर्ख सिर्फ बकवास करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है फालतू चर्चा करना। कन्हैया जी का कितना उम्र है? वात्सल्य भाव है ना, चर्चा तो बड़े लोग कर रहे हैं ना। क्यों तिवारी बाबा? चर्चा बड़े लोग कर रहे हैं, कन्हैया जी का वात्सल्य भाव है, लेकिन उन्हें जगत की सेवा करनी है ना। कन्हैया जी से किसी ने कहा कि तुम काली दाह में जाकर कालिया नाग को भगा दो, या किसी ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें माला पहनाएंगे, या कन्हैया जी से किसी ने कहा कि गोवर्धन उठा करके अगर यहां लाज बचा लोगे तो तुम्हें हम माखन खिलाएंगे? तो कुछ मूर्ख मान सम्मान के चक्कर में अध्यात्म और धर्म से दूर हो जाते हैं, और ऐसा करने वाले लोग अकेले ही रह जाते हैं, उनके साथ कोई आता नहीं। कुछ लोगों का काम ही अनावश्यक चर्चा, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं, जो नीति में नहीं है, नियत में नहीं है। अभी देखो रास्ते से वहां कोई जा रहा हो ना, अचानक, अरे क्या है, वो ट्रक है क्या? अरे टायर फट गया। इतने टाइम में तुम भगवान का भजन करो ना यार, इतना बच्चा हो टाइम किसी के अपने बच्चों को ज्ञान दो ना। अरे कुछ नहीं, जिसकी जिम्मेदारी ली है, अर्धांगनी है, सेवांगनी है, धर्मांगनी है, उसको टाइम दो ना। लेकिन अनावश्यक चर्चा। तो कहने का मतलब है कि जिसे सेवा करना है या जिसके भाग्य में भोग्य में प्रारब्ध में सेवा है, उसे किसी से कहने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई बहन, वो स्वयं करता है और परमात्मा उससे करवा लेता है। ये सारे काम प्रारब्ध से, हम आपकी नगरी में आए इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ऐसा मेरा मानना है और मैं कहता हूँ। क्यों राजेश जी? मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इसमें मेरा एक पैसे का कोई योगदान नहीं है,
और मुझे किसी का दिया हुआ सम्मान भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा रूप नहीं, स्वरूप नहीं, अनुरूप नहीं, तन नहीं, तो मुझे मान सम्मान का अभिप्राय भी नहीं। फिर ये पूर्व जन्म से प्रकृति ने निर्धारित किया था कि ब्रह्मांडपुरी आपको इतने लोगों की सेवा जा करके करनी पड़ेगी, हमें तो पार्षद बनाकर ठाकुर ने नाम बड़ा कर लगा क्या कुछ नहीं, ये तो निर्धारित है, नहीं तो ये कथा 2 साल पहले भी होती और 1 साल बाद भी होती। हम पहले भी आ सकते थे, बाद में आ सकते थे, लेकिन शुभ कार्य कभी भी निर्धारित करके नहीं किया जा सकता है। अगर आप पात्र हैं तो आपका भोग, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध आपसे महापुरुषों के आशीर्वाद से करवा लिया जाता है। माध्यम बनना है, यश लेना है। अब लोग बैठ के सोचते होंगे, अरे इतनी बड़ी कथा 4 दिन में आयोजित हो गई, बताओ LED लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, इतना साउंड है, कहाँ से आएगा, कहाँ से भरेगा, कौन देगा? तुम्हें कमाने के लिए हाथ दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी, स्वाद लेने के लिए जिह्वा दिया, तीर्थ करने के लिए पद दिया, जो तुम्हें इतना दे सकता, जो किसी काम के नहीं, जो राम का काम करता, उसे कौन रोक लेगा? वो तो पहले से निर्धारित है कहां से होना है, वो तो पूर्व समय निर्धारित है। आप गौर करना, अपना घर का कर्जा आपका बाकी हो सकता है, लेकिन बेटी के ब्याह का कर्जा बहुत आसानी से उतरता है, क्योंकि वो यज्ञ है। अपने जीवन में अनुभव ले लेना, आपके घर में दूध जल्दी चाय के लिए भले ना मिले, लेकिन जब सत्यनारायण कथा होगी तो कोई भी भाई दूध लेके आ जाएगा, वो उसका काम करवा लेता है। इसलिए उसमें सोचना नहीं आपका काम है, और आप सोच भी कितना सकते हो, एक सीमित दायरा है आपका, कहां तक सोचोगे? मेरे 2 बच्चे, 2 लड़कियां, मेरा घर, मेरा परिवार। मैं तो कहता हूं इन संसारियों को संतों का सानिध्य पाना ही नहीं आता साहब, और इन्हें प्रश्न करना तो आता ही नहीं। संतों के पास प्रश्न करने के लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल लगाओ, लेकिन जब संत का सानिध्य मिले, परमात्मा का सानिध्य मिले, तो जीवात्मा और परमात्मा की बात करो, अध्यात्म की बात करो, जगत कल्याण की बात करो। मेरी बेटी का ब्याह नहीं होता, ये ले, मेरा प्लॉट नहीं बिकता, मेरे घर में माया नहीं टिकता, मेरा घर नहीं बनता, अरे वो तो जब होना है हो ही जाएगा ना। उसके लिए हरि से साधना करो, अरदास करो, प्रार्थना करो, लेकिन जब कभी अन्न का कण मिले तो व्यर्थ नहीं बेकना, और जब कभी संत का रज मिले तो उसे मस्तक पे लगा लेना, भवसिंधु उतर जाओगे। हम जाकर मांगते भी क्या है गुरुजनों से, क्या मांगते हैं? सट्टे वाले है ना, पहचान हो गई, 8-7 दिन हो गया है, और मैं तो पूरा भारत भामता हूँ, बहुत सावधान रहते हैं हम लोग। अब हमसे कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी आपकी सारी बातें जायज हैं, आप किसी के घर नहीं आते। नहीं जाता, जाता ही नहीं साहब, एक जगह बैठ गए, और आप देखेंगे कि अगर महसाना में व्यवस्था भी बनी तो कहीं दूर 1-2 एकड़ जमीन खरीद के झोपड़ी होगी, महल नहीं होगा ब्रह्मांडपुरी का, क्योंकि वो सूलों के पक्के संत। घर नहीं जाते इसका मतलब अहंकार नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, मर्यादा है। माना आपका धन दौलत क्या है, रुपया, पैसा, बंगला, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन मेरी असली संपत्ति तो मेरी साधना है। आकस्मिक हम किसी के नगर में पहुंचते हैं, किसी के घर पहुंचते हैं, किसी को मासिक धर्म है या कोई अस्वस्थता है, और वो जल हमने पी लिया तो हमारी तपस्या छीण हो जाएगी। किसी के घर हम पहुंचे, कोई मांसाहारी है, किसी ने मदिरा का पान किया है, आकस्मिक वो बर्तन में मैंने कर लिया ना,
तो मेरी साधना खत्म हो जाएगी। जैसे आप अपनी संसार की सुरक्षा करते हो ना, ऐसे हमारी भी सुरक्षा कवच करके बैठना पड़ता है। ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो ये नीच अन्न खाए से, ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो ये नीच अन्न खाए से, कुलकर है नाश हो या ब्राह्मण सताए से, तो संस्कार भ्रष्ट हो या मदिरा के पाए से। संतों का काम और शिष्यों का काम अलग है। शिष्य का काम है जगत कल्याण करे, धर्म धन का पूरक है और धन धर्म का पूरक है। उसके पास जो भी धन राशि आए उससे अपने दायित्व को पहले पूरा करे, है ना। ऐसा नहीं पैसा आए कि बाबा के पास, वो मामला गड़बड़ है। पहले बेटी के लिए लिखो, पहले माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, बच्चे में दान करो। और संत का काम है कि अपने शिष्य के लिए सुखद जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना, कामना, यज्ञ और अनुष्ठान करे। ये दोनों के रिश्ते का सूत्र है। श्रीमद् भागवत कथा में आए, विषय चल रहा था, चर्चा चल रही थी कि सेवा करने वाले को बोलने की जरूरत सीखना चाहिए ना हमें वक्षपाल से। अभी कन्हैया गोपाल नहीं हुए हैं, अभी कन्हैया वक्षपाल हैं। 60 साल 70 साल 80 साल के बुजुर्ग युवा बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि अरे काली दाह में आज पानी पीने के बाद एक गैया फिर से मर गई। एक छोटे से स्वरूप में मेरे नंदलाल सिर्फ सुनते हैं कि जलपान करने से, विषयुक्त जल को पीने से एक गाय मर गई, और कन्हैया जी चुपचाप जमुना के किनारे चले जाते हैं कि आज तो मैं इस कालिया को यहां से हटा के ही रहूंगा, चाहे मेरा प्राण क्यों ना जाए, गौ हत्या नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। और हम दूध देना गाय बंद कर दे, फिर उसे 1500 में बेचते हैं, गैया कहीं भी जाए समाधि नहीं लगा सकते। कितने स्वार्थी हैं। दूध वाली गाय रखेंगे, दूध देना बंद किया, और हम बोलते हैं ना उनको मारो जो गाय काटते हैं, लेकिन उनको तो देखा जाएगा, लेकिन जो गाय कसाई को बेचते हैं उनके साथ क्या व्यवहार करें, निर्णय तो हमारा आपका ही होगा ना। सीखिए, एक छोटा सा बच्चा सिर्फ ये सुना है कि गैया काली देह में विषपान करने से मर गई और मेरे नंदलाल चल पड़े बहाना बना करके। कन्हैया से ये सीखना है कि कन्हैया जी ने धेनकासुर का वध किया, अघासुर का किया, बकासुर का किया, ये सारे सुर का वध तो कन्हैया जी ने कर दिया, पर हमें आपको भी एक राक्षस का वध करना है। तुम्हारी बाबा नहीं करना है। हमारे आपके मन मस्तिष्क में एक भी राक्षस बैठा है जिसे हम वृत्ति असुर कहते हैं, उसे बदल लो तो भवपार हो जाओगे। कि जिनकी आदत हो, जिनकी आदत बुरी लाख रोको, जिनकी आदत बुरी लाख रोको, दर असल वो बदलती
कागज की चलती नहीं है कि जारे तमने गम थाय हसवानू नथी रोया करो आपला जीवन मा जे थाय ते जोया करो ए आमला दुख छे ना एनु काई नथी पर फरीवार दुख आवानन नथी दुख आवतो नथी एना माटे तमारे काई चिंतन चिंता करू होय ना पर आपन खाली राम नाम जपना का करते हैं अगली लाइन में भूल गया आप लोग याद कर लेना राम नाम जपना भाई इतना बर्डन है एक आधी लाइन छूट जाती है। एक बालक से कहा चल तीर्थ करा के लाएंगे महाराज कितने तीर्थ मेरे चार धाम करा देंगे तेरे बोले महाराज तेरे चार धाम उधर मेरे भी धाम है मतलब गिना दे